हेलो नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। तो बात कर लेते हैं जल्दी से प्रोमो के अंदर, जो प्रोमो के अंदर दिखाई दे रहा है, जो मुनव्वर की जनता को भी वेट था कि कब रज्जाक रूप देखने को मिलेगा मुनव्वर फारूकी का, वो धीरे धीरे आने लगे है। लगातार वीकेंड के वार से बहुत सी पिक्चर क्लियर हो गई है। आयशा खान से उन्होंने दूरी भी बना ली है और उन्होंने कल के एपिसोड में ये भी कह दिया कि अब मेरा बचा ही क्या दिखाने के लिए, सब चीज़ तो मेरी सामने ला दी बिग बॉस ने, तो अब मैं अपने हिसाब से गेम खेलूंगा। जिस हिसाब से उन्होंने कल कहा भी अनुराग को कि कौवे पे बांध के यहां से उड़ा दूंगा, तो वो भी उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। यहां तक कि जो शर्त लगी थी, एक बैट भी लगी थी यहां पे रिंकू जी के बीच में और अनुराग के बीच में, तो रिंकू जी पहले जरूर चले गए लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर वो प्रॉमिस भी रिंकू जी का मनोहर फारूकी ने पूरा कर दिया अनुराग को घर से बेघर करके। लेकिन अब प्रोमो में जो चीज दिखाई दे रही है वहां पर क्लियर कट दिख रहा है कि यहां पर एक टास्क हो रहा है, नॉमिनेशन टास्क, जिसके अंदर आमने सामने आ गए हैं अरुण और मनोहर फारूकी, मतलब रज्जाक। और जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि मार के दिखा दम है, तो ये हाथ टच करके दिखा, आमने सामने फाइट करे, यहीं पे फिर पोकिंग कर दिए समर्थ और ईशा ने। यहां तक कि कुछ ऐसे शब्द भी कहे हैं जहां पे बिग बॉस को भी वो म्यूट करने पड़े हैं, जो उन्होंने फिर एक टारगेट बनाया है अभिषेक कुमार को, और तू नकली कुमार है, तू ये है वो। वहां पे भी मनोहर फारूकी ने फिर दोबारा से अभिषेक का साथ दिया है, अभिषेक को साइड लेके गए हैं। यहां पर समर्थ और ईशा लगातार अभिषेक कुमार को टारगेट कर रहे हैं, उनकी कुछ ऐसी बातें बाहर की जो उनके सामने रखते हैं, जिससे वो पोक होते हैं और उनको थोड़े से वो लड़ाई के मूड में आ जाते हैं और वो सुनना नहीं चाहते वो बातें, जो लगातार कुछ उनकी मेडिकल जो चीज़ें थी उनको लेके, वो लगातार उनकी बीमारी को लेके उस घर पे बोलते हैं उनके सामने कि तू ऐसे था ना, तू इलाज कराया ना तूने, तो वो पोकिंग कर रहे हैं लगातार उनकी, कुछ ऐसी चीज़ों को टच करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे काफ़ी परेशानी हो रही है अभिषेक कुमार को। लेकिन क्लियर कट दिख रहा है कि अब रज्जाक आ चुके हैं अरुण के सामने, आमने सामने की बिल्कुल वो ले चुके हैं, और अब आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि मनोहर फारूकी अब इसी हिसाब से गेम खेलेंगे या कुछ अपनी नीतियों और अपनी गेम के अंदर कुछ और भी चेंज करने को दिखेंगे। जैसा कि पर्सनल बहुत अटैक हुए मनोहर फारूकी पे, कई निजी जिंदगी, कई आयशा खान को लाके भी उनको डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन अभी भी वो गेम में बने हुए हैं और प्रबल दावेदार है ट्रॉफी के। तो देखते हैं बिग बॉस और उनके साथ कौन कौन से गेम खेलते हैं। लेकिन मनोहर की जनता के लिए ये बहुत ही अच्छी एक न्यूज है कि आप लगातार हर एक एपिसोड में आपको रज्जाक दिखने को मिलेगा। आप आए, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका तहे दिल से शुक्रिया। प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर भी करें। आते हैं कुछ नई अपडेट के साथ, जब तक ले बाय, अल्लाह हाफिज़। आपका अपना यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज़।